हेलो राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। आप सब लोग कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लाई हूँ कि कार्तिक मास जो चल रहा है उसके बारे में। कार्तिक मास आज से ही चालू हुआ है। आज जैसे कि आप जानते होंगे, आज शरद पूर्णिमा है। शरद पूर्णिमा के दिन कार्तिक मास चालू हो जाता है। कार्तिक मास क्यों चालू होता है? ये कार्तिक मास कैसे पड़ा ये नाम? कार्तिक मास जो मैं इसे दामोदर भगवान जो है हमारे कृष्ण जी, उन्होंने अनेक अनेक लीलाओं का इसी मास में अपनी लीलाएं दिखाई हैं, इसलिए इस कार्तिक मास का महत्व अधिक से अधिक है। इस मास में हमें क्या करना चाहिए कि तारों की छाँव में ही सुबह सुबह उठ के नहा लेना चाहिए और भगवान की आरती करनी चाहिए, तुलसा आरती करनी चाहिए, तुलसा जी की पूजा करनी चाहिए। दामोदर भगवान को की एक आरती है हमारे इस्कॉन की तरफ से। अगर आप इच्छुक होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी वो वीडियो डाल दूंगी और आप चलाइए और उनकी आरती कीजिए दामोदर भगवान की। जैसे कि आप मेरी वीडियो में देख रहे होंगे कि ये पिक्स हैं दामोदर भगवान की, इनके आगे आपको आरती करनी है और आरती करने के बाद वो दिया आकाश के भरे आकाश आसमान के नीचे रख देना है। लेकिन करना क्या है, उसे उठाना, उसकी जोत नहीं लेनी है। हम जैसे आरती करते हैं, आरती के करने के बाद जोत लेते हैं, जोत नहीं करनी है हमें लेनी, हमें सिर्फ आरती करने के बाद रख देना है। अब आप सोचेंगे कि हमें आरती कैसे करनी है, हमारा नियम क्या है, तो आरती कैसे करते हैं? चार बार तो हम दिखाते हैं भगवान के चरणों में, तीन बार दिखाते हैं हम दिया भगवान की नाभि में, दो बार दिखाते हैं माता भगवान के माथे पे, और पूरी सात बार फिर लास्ट में पूरे भगवान की पिक पे दिखाते हैं। ऐसे क्यों करते हैं? वो कहते हैं कि ऐसे भगवान की जो नज़र होती है वो उतरती है। आई होप आप सभी को अच्छा लगा ये मेरा इन्फॉर्मेशन। कहते हैं इस मास में जो मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि हमारा एक मंत्र है, उसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक प्रचार किया जाएगा उतना ही हमें फल प्राप्त होगा। इसलिए आप उस मंत्र का अधिक से अधिक प्रचार कीजिए, जाप कीजिए और जितना हो सके भक्ति कीजिए। उसी में ही हम सबकी भलाई है। और अगर आप में से कोई मेरठ से रहने वाला हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है और मेरे को अपनी वीडियो के कमेंट में मैसेज कर सकता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा, राधे राधे।